आज हम करेंगे जो कल दो एक्सरसाइजें थी और आगे की उनको, और वो है एक है लिस्ट बॉक्स की और एक है कॉम्बो बॉक्स। और लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं अपने इसमें, मतलब हम यूज करते हैं जब भी हम कोई मेन्यू वगैरह यूज करते हैं, जैसे आप फॉन्ट का मेन्यू यूज करते हो तो इसमें भी आपका एक लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स होता है। तो ये है जैसे लिस्ट बॉक्स, तो ये लिस्ट बॉक्स है जिसमें क्या आ रहे हैं, फॉन्ट की लिस्ट आ रही है, ये आपके स्टाइल की, ये साइज जो है उनकी लिस्ट आ रही है, और जो कॉम्बो बॉक्स होते हैं वो ये होते हैं, ये लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें देखो ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे को कुछ चीज जो वो आई, तो इनको हम बोलते हैं ये भी लिस्ट बॉक्स है, तो ये भी एक तरह का सिंपल लिस्ट बॉक्स है। तो ये जो है वो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स जो होते हैं, जो मतलब जैसे क्लिक करके नीचे को आ जाते हैं। और जो एक्चुअल कॉम्बो बॉक्स होता है, एक्चुअल कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है कि उसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में मेन डिफरेंस यही होता है, देखने में जो डिफरेंस होता है वही होता है कि लिस्ट बॉक्स में हमें सारी आइटमें इकट्ठी दिखाई देती हैं, लेकिन जो आपका कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें हमें कोई आइटम दिखाई नहीं देती, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर वो थोड़ा एक्सपैंड होता है, फिर जाकर के हम किसी आइटम को देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है निम्मी की कोपा क्लास की, उसमें ये बना हुआ है, मैं उसी को बनाऊंगा सेम टू सेम जैसे उसमें बना हुआ वैसे इसको बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक लेवल कंट्रोल ले लेते हैं, एक हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ले लेते हैं, लिस्ट बॉक्स ढूंढते हैं, ये कॉम्बो बॉक्स और ये है हमारा लिस्ट बॉक्स, एक लिस्ट बॉक्स ले लिया, फिर हमने एक लेबल और ले लिया यहाँ पर, और एक हमने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स हमने कल ही पढ़ा था, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, फिर ले लिया हमने कमांड बटन, एक कमांड बटन हमने ये ले लिया और एक कमांड बटन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे हो गए, इसके बाद इनका नामकरण और इनका कैप्शन प्रॉपर्टी जो वो सेट करते हैं, प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी, लिस्ट बॉक्स की तो वैसे बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम नहीं करेंगे। तो जो इसकी नोटेबल प्रॉपर्टी होती है वो बाउंड कॉलम वगैरह होती है या कंट्रोल सोर्स होती है, जो प्रोग्रामिकली हम इनको यूज करेंगे कभी आगे चल के, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इनकी जरूरत नहीं है। लेबल वन जो है इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं कि क्या लिखा हुआ आएगा, अभी लेबल वन लिखा हुआ आ रहा है तो इसकी जगह आएगा सेक्टर्स नेम, सेक्टर नेम्स कर देते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा छोटा छोटा दिखता था मैं इसको थोड़ा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट में जा करके इसका फॉन्ट 12 कर देते हैं, ओके, तो ताकि ये दिख जाए। इसके बाद लेबल टू है, लेबल टू का क्या कर देंगे, इसका नाम रख देंगे हम नंबर ऑफ आइटम, तो इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका नाम रख देंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स, ओके, ये भी हो गया। अब इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसका भी हम 12 कर देते हैं ताकि दिख जाए, ये इसकी कर दी। कमांड बटा एक का नाम रखेंगे हम डिस्प्ले सेक्टर नेम और दूसरे का नंबर नाम रखेंगे हम डिस्प्ले लिस्ट काउंट, तो इसका नाम रखेंगे डिस्प्ले सेक्टर नेम की सेक्टर नेम आएंगे तो इसका नाम, तो इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में आएंगे, इसका रख देंगे डिस्प्ले और इसका भी साइज बड़ा कर देते हैं ताकि ये दिख जाए, 12 ज्यादा हो गया बड़ा, इसको बड़ा कर लेते हैं, और इसका रखेंगे डिस्प्ले लिस्ट काउंट, इसकी भी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे डिस्प्ले लिस्ट काउंट, काउंट में जाकर के इसका साइज भी हम 12 कर देते हैं, ओके जी। तो ये हमारे बन गए, इनमें ज्यादा मैं इनको सजाने की कोशिश नहीं करूंगा, टाइम ही वेस्ट होगा, फिर भी आप थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे ये, बाकी अलाइनमेंट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं, कल किए थे हमने जैसे। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें जैसे नाम आए, तो हम चाहते हैं कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो इसमें नाम आए, इसके हम क्लिक इवेंट में ये कोडिंग करेंगे, क्लिक इवेंट में हम कोड लिखेंगे, क्या कोड लिखेंगे कि जो लिस्ट बॉक्स है उसमें चीजें जब आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स का नाम, लिस्ट बॉक्स का नाम होगा लिस्ट बॉक्स वन डॉट, अगर आपने नाम लिखा होगा तो जैसे आप डॉट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे इंटेलिजेंस क्या होगी, मेथड और प्रॉपर्टी की लिस्ट को ले आएगी, अगर नाम स्पेलिंग गलत लिखी होगी आपने तो वो ये डॉट लगाने के बाद ये नहीं आती है तो हमें पता चल जाता। तो यहाँ पर हम मेथड चूज करेंगे, प्रॉपर्टी चूज नहीं करेंगे ना, मेथड चूज करेंगे और इसका मेथड है एड आइटम, और एड आइटम मेथड को हम टैब प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, हम इसमें लिख देते हैं कि क्या है, ऑटो मोबाइल आए और डबल कोट्स बंद, तो इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कुछ सेक्टर्स जो हम वो ऐड कर देते हैं, लिस्ट बॉक्स वन डॉट ऐड आइटम और आगे सेक्टर का नाम लिख देंगे, तो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं कॉपी पेस्ट से काम चला लूंगा, ज्यादा लिखेंगे तो हमारा टाइम जो वो वेस्ट होगा, और यहाँ सेक्टर के नाम ही चेंज करता हूँ मैं,
ये हमने कुछ आइटमें ऐड कर दी, मतलब जो लिस्ट बॉक्स है उसमें ये आइटमों के नाम जो है वो आएंगे, रन करके देखते हैं आएंगे भी नहीं, डिजाइन भी में जाएंगे तो यहाँ तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम रन करेंगे तो हमने इसके क्लिक इवेंट में लिखे थे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट बॉक्स में इन आइटम्स के नाम जो है वो आ गए। तो ये हमारा लिस्ट बॉक्स जो बन गया। अभी हमने ये कुछ कम लिखे तो इतना ही आएगा, भरेगा नहीं, और अगर हम ज्यादा अगर इसका लिस्ट बॉक्स का साइज हम छोटा कर देंगे तो ये इसमें स्क्रोल बार जो वो भी आ जाएगी, ऐसे करके अगर छोटा कर देते हैं और रन करते हैं तो ये साइड में स्क्रोल बार भी आ जाती है, इससे ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, स्क्रोल बार ऐड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपने जितनी आइटम लिखी होंगी उस हिसाब से ये अपने आप देख लेता है कि स्क्रोल बार की जरूरत है कि नहीं। तो हमने कैसे करा, लिस्ट बॉक्स का नाम, एड आइटम और आगे आइटम का नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट बॉक्स के अंदर जो भी आइटम है उन आइटम्स को हम ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। अब हम दूसरे बटन की कोडिंग करते हैं। दूसरे बटन क्या आएगा, डिस्प्ले लिस्ट काउंट, यानी कि जो लिस्ट बनी है अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट में कितने सेक्टर हमने लिखे हैं उनको काउंट करके बताएगा, मतलब ये भी एक मेथड ही है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज चेंज करनी है, तो आपने जैसे हमने कल ही पढ़ा था तो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे और इक्वल टू करके हम लिख देंगे क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स कितनी है वो बता देंगे हम। यहाँ पर लगाएंगे एम परसेंट, मतलब जब भी हमने कोई वेरिएबल या इसकी कोई वैल्यू दिखानी कंट्रोल की तो एम परसेंट लगाते हैं। आगे लिखेंगे हम लिस्ट बॉक्स वन डॉट, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे हम, इसमें प्रॉपर्टी लेंगे लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी। तो लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी क्या करती है कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगी उनको काउंट करेगा और नंबर ऑफ आइटम हमें काउंट करके बता देगा। ये काफी काम की चीज होती है लिस्ट काउंट। आगे हमें लूप बनाने पड़ते हैं या हमें पता करना पड़ता है कि यूजर ने किस इसको क्लिक करा हुआ है, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी बड़े काम की आती है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो ये तो आगे हमारे सारे सेक्टर जब इस पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट, और आगे का आ नहीं रहा है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स हमने इतना छोटा सा बनाया था तो बाकी का जो लिखा वो आगे चला गया। तो हम टेक्स्ट बॉक्स को लंबा कर सकते हैं, एक तो टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे आगे को खींच दें, ऐसे खींच दें आगे को, या फिर हम क्या करें इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। मल्टी लाइन प्रॉपर्टी मतलब एक ही टेक्स्ट बॉक्स में दो लाइन आ जाएंगी, टेक्स्ट बॉक्स का साइज यही रहेगा लेकिन एक लाइन ऊपर चली जाएगी और एक लाइन नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर जाओगे आप प्रॉपर्टीज में तो यहाँ पर है मल्टी लाइन, यहाँ पर है फॉल्स। फॉल्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ट्रू कर देंगे। अब क्या होगा कि एक ही टेक्स्ट बॉक्स में दो लाइन आ जाएंगी, एक लाइन ऊपर मतलब ये तोड़ देगा लाइन को। देखो रन करके देखते हैं ये सेक्टर नेम, तो ये देखो ये नीचे आ गया, अब ये लाइन छुपी नहीं। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है उससे हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स में एक से ज्यादा लाइन ऊपर नीचे शो कर सकते हैं पैराग्राफ की तरह। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट बॉक्स फाइव आइटम है, एक दो तीन चार, हाँ तो पांच आइटम है जो है वो ये लिस्ट काउंट से हमने ऐसे काउंट करके पता कर ली। हमने क्या देखा लिस्ट बॉक्स की, हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने एड करना देखा कि कैसे हम आइटम को एड कर सकते हैं, तो एड आइटम मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर हमने उसमें क्या क्या आइटम है तो हम लिस्ट काउंट आइटम से उनका पता कर सकते हैं। बाकी और भी इसके काफी ज्यादा मेथड प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं तो हम एक एग्जांपल में नहीं देख सकते हैं, जैसे जैसे हमें आगे के वो आएंगे तो उनमें हम देखते चलेंगे। अब जैसे जो और क्या कर सकते हैं इसमें, इसी एग्जांपल को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम इसमें अगर ऐड करना हो, आइटम ऐड करनी है या आइटम डिलीट करनी है तो वो मेथड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। इसी में आपकी बुक में ही है अलग नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा, सेम ही है वो। तो इसके लिए हमें एक कैप्शन लेना पड़ेगा, पहले तो एक लेबल ले लिया, एक हम इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे जिसमें यूजर ये करेगा, और तीन हमें कमांड बटन लेने पड़ेंगे। ये कमांड बटन क्या करेंगे, एक ऐड करेगा, एक डिलीट करेगा जो भी इसमें लिस्ट बॉक्स में लिखा, और एक पूरी लिस्ट बॉक्स को साफ कर देगा। तो हमने ये तीन कमांड बटन जो है वो ले लिए और इनको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, ये बराबर हो गए। तो इनकी पहले तो लेबल का कैप्शन चेंज करते हैं, लेबल का कैप्शन है इसमें लिखेंगे टाइप
द आइटम टू बी एड एंड क्लिक द एड आइटम बटन। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या करेंगे कि कोई आइटम का नाम लिखेंगे और ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। अब इसका कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी कर देते हैं हम ऐड आइटम कर लेते हैं, एक की हम कर लेते हैं डिलीट आइटम और एक का कर लेते हैं हम क्लियर लिस्ट, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो मैंने तीनों इकट्ठे सिलेक्ट किए और इकट्ठे सिलेक्ट करके भी हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक एक का करो। तो मैंने तीनों कमांड बटन इकट्ठे सिलेक्ट किए, तो क्योंकि प्रॉपर्टी सेम ही प्रॉपर्टी चेंज करनी है मैंने तीनों की, जैसे मैंने सबका फॉन्ट एक जैसा रखना है, तो फिर फॉन्ट में गया और सबका फॉन्ट मैंने 11 सेट कर दिया या यहाँ से इसका ये स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया, तो तीनों का एक जैसा हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर एक ही जैसे कंट्रोल है तो उनको इकट्ठा सिलेक्ट करके एक ही प्रॉपर्टी अगर चेंज करनी तो इकट्ठा भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने इनकी कोडिंग करनी कि अगर यूजर ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि इसमें वही आइटम ऐड हो जाएगी, डिलीट के ऊपर क्लिक करेगा तो जिस आइटम के ऊपर उसने क्लिक किया होगा वो डिलीट हो जाएगी। तो पहले तो करते हैं हम ऐड आइटम के ऊपर, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे डबल क्लिक कर लेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें कोडिंग करते हैं कि इसमें जो यूजर एंटर करेगा, जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर कुछ भी नाम लिखेगा उसको हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाए। इसके लिए कोड क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो ऐड का हमें पता ही है कैसे करते हैं, हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो हमने ऐड करना है वो कहाँ से ऐड करना है, जो हमने यहाँ पर लिखेगा यूजर इसमें लिखेगा, इसमें जो नाम लिखेगा उसको ऐड करना हमने, तो यहाँ पर हमें कोड में क्या करना पड़ेगा ऐड आइटम कहाँ से करे, जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स मेरे ख्याल में इसका नाम होगा टेक्स्ट बॉक्स टू, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखी है टेक्स्ट बॉक्स टू में उसको क्या करेगा ऐड कर दे। तो ये तो हमारे सेक्टर पहले से ही है, ये काउंट है। अब यहाँ पर किसी सेक्टर का नाम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम फिटर और ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये फिटर आ गया। अब डिस्प्ले लिस्ट काउंट करेंगे तो ये 6, पहले 5 था अब 6 हो गया। अब कोई और सेक्टर ऐड करना हमने, जैसे कोई और सेक्टर कर देते हैं फूड कर लेते हैं, फूड प्रोसेसिंग, तो यहाँ लिख दिया मैंने फूड प्रोसेसिंग और ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसको उठा करके कहा लिस्ट बॉक्स में ऐड कर देगा। और यहाँ पर अगर लिस्ट काउंट करेंगे तो अब ये 7 हो जाएगा। इसके लिए क्या एक सिंपल सा लाइन लिखी है मैंने, क्या लिखी लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम और कौन सी आइटम ऐड करनी जो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर लिखी हुई है। तो कैसे पता चलेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर क्या लिखा है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऐड करना तो बेहद सिंपल है, हाँ रिमूव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि डिलीट कैसे करें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब हम डिलीट करते हैं किसी चीज को तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पता करना पड़ेगा कि भाई उसने किसमें क्लिक करा हुआ है। जैसे कोई भी आइटम को डिलीट करना है, अगर हम बोलेंगे कि भाई इसको डिलीट कर दे तो कैसे पता चलेगा कि किसको डिलीट करना है, किसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। जैसे ये सेक्टर क्लिक किया हमने तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और फिर यहाँ बोला डिलीट, तो इसको कैसे पता चलेगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्लिक किया कि किसके ऊपर क्लिक किया और उसी को डिलीट करे या ऊपर या नीचे से नहीं करे। तो उसके लिए देखते हैं कोड लिख के देखते हैं होता है ये काम करी। सबसे पहले डिलीट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें अपना लिस्ट बॉक्स का नाम लिखना पड़ेगा। लिस्ट बॉक्स का नाम है हमारे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रिमूव आइटम होता है। इसके लिए रिमूव आइटम तो होगा इसमें, लेकिन कौन सी आइटम को रिमूव करना वो कैसे बताएंगे। रिमूव आइटम और आगे क्या आता है कि जो जिस पे यूजर ने क्लिक करा होगा तो वो आता है लिस्ट इंडेक्स से। इसमें यहाँ पर आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि किसको करेगा, तो लिस्ट बॉक्स रिमूव आइटम लिस्ट बॉक्स लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स से लगता है पता कि कहाँ पर है वो चीज। अब करते हैं ठीक है, अब हो रहा है। लिस्ट इंडेक्स से पता चलेगा, लिस्ट इंडेक्स जो प्रॉपर्टी होती है कि कहाँ पर है। लिस्ट इंडेक्स हम ठीक से नहीं लिख रहा था मैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करती। ये ब्रैकेट्स में लिखना था लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, तो ये आर्गुमेंट का काम करेगा कि आपने लिस्ट बॉक्स 1 में कहां पर क्लिक करा हुआ। तो लिस्ट इंडेक्स जो आपका प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी से पता चल जाता है कि हमने कहां पर क्लिक किया हुआ है उसमें लिस्ट बॉक्स में, और फिर उस हिसाब से वो उसी आइटम को रिमूव करेगा जिसके ऊपर हमने क्लिक करा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्लिक करा और डिलीट आइटम के ऊपर क्लिक करा तो उसको डिलीट कर देगा, आईटी के ऊपर क्लिक करा डिलीट आइटम करेगा तो उस पे ऐसे डिलीट कर देगा। और क्लियर लिस्ट का जो है तो बड़ा सिंपल है, इसमें हम लिस्ट बॉक्स का नाम लिखो, इसमें सारी आइटमों को क्या कर देगा एक साथ ही रिमूव कर देगा। तो इसमें क्लियर मेथड है उसको यूज करो, तो इसको
एक एक मैं क्लिक करो, जैसे ये जो भी ये पूरी क्लियर करनी लिस्ट, तो क्लियर लिस्ट पे क्लिक करो, तो ये एक मेथड है। तो ये हमने देखे दो मेथड, एक तो ऐड का मेथड देखा कि ऐड आइटम कैसे कर सकते हैं, रिमूव आइटम का, और रिमूव आइटम जो है, और एक देखा हमने ये क्लियर। जब आप रन कर रहे होते हैं उस टाइम भी आप इनको ऐड कर सकते हैं और शुरू में भी इनको ऐड कर सकते हैं, जो भी आइटम होती है लिस्ट बॉक्स में। इनका जो प्रैक्टिकल यूज होगा वो आगे देखेंगे, कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल आएगा, ये जस्ट ऐसे ही है बताने के लिए। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसका क्या यूज है, कि यूटिलाइजेशन है, लेकिन जब हम इसको एक्सेल की शीट के साथ कंबाइन करके बनाते हैं तब इसका यूज आता है, कि जो जैसे आपकी जो आइटम है, जो लिस्ट बॉक्स में जो भी डिस्प्ले होगा वो एक्सेल में स्टोर होगा, एक्सेल की शीट में स्टोर होता है, तो या फिर यहाँ से जब हम चूज करते हैं तो एक्सेल की शीट जो होती है उसके जो सेल होते हैं वहां पर सेव हो जाती है चीजें, तब जाके इसका मतलब जो सही प्रैक्टिकल यूज है पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में एक और है, वो है हमारा कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल जो है वो भी कुछ इसकी तरह ही है, लिस्ट बॉक्स की तरह ही है, इसके मेथड वगैरह भी सेम ही है, बस इसका क्या है कि ये थोड़ा देखने में अलग आता है। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल पे जब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसके भी मेथड सेम ही है, इसमें भी हम क्लियर लिस्ट या एड वगैरह जो वो हम कर सकते हैं। इसमें भी हम जैसे हम चाहते हैं कि इसमें पहले से ये आए कुछ लिखे हुआ है, तो हम इसमें इसका कैप्शन चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं कोर्स, जैसे ये कोर्स के नाम दिखाएगा, और हम चाहते हैं कि जैसे ये रन हो तो इसमें आ जाए, तो हम यूजर फॉर्म के क्या करेंगे, इसके एक इवेंट होता है, इसका इवेंट, उस इवेंट में जाएंगे, एक्टिवेट इवेंट, उस इवेंट में क्या करेंगे हम इसकी कोडिंग कर देंगे। तो जैसे आपका यूजर फॉर्म जो होगा वो एक्टिवेट होगा तो उस टाइम सीधे क्या करेगा, ये इसमें जो भी लिस्ट इसका लिखा उसमें जनरेट करके उसमें डाल देगा। तो इसमें लिख देते हैं इसका नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट, इसकी वही है एड आइटम, सेम ही है वैसे, और जो भी आइटम है आगे जैसे हमने लिख दिया कोपा, तो इस तरीके से ये एड हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, कोप हो गया, या फिटर कर देते हैं, या बेल्डर कर देते हैं, और ये आ गया आपका टर्नर, ठीक है। तो जैसे ही हमने एक्टिवेट इवेंट में लिखा, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये पहले से इसमें आएंगे, फॉर्म के एक्टिवेट इवेंट में लिखे तो ये पहले से इसमें आएंगे। तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं जो भी कोर्स आपने लेना, जैसे फिटर का ले लिया, बेल्डर का ले लिया, टर्नर का ले लिया। तो ये कॉम्बो बॉक्स जो वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ये लिस्ट बॉक्स की तरह ही नहीं कि इकट्ठी लिस्ट दिखा देते हैं, हमें इसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। बाकी इसके जो मेथड्स वगैरह होते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे इसमें भी आप कर सकते हो आइटम है, और इसमें भी आप आइटमों को डिलीट कर सकते हैं, तो वो सेम ही होते हैं। जैसे ऐड आइटम इसका सेम है, ऐसे रिमूव आइटम है इसका, वो भी इसका सेम ही है, डिलीट का वो भी इसका सेम ही है। अगर करना हो तो हम कर सकते हैं, जैसे एक कमांड बटन बनाते हैं तो इसमें हम कर सकते हैं, ऐड का करना हो तो ऐड कर सकते हैं, कि इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर लिखे वो इसमें ऐड हो जाए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना ही लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स, और इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं, इसका लिख दिया क्लिक टू ऐड आइटम। अब जो भी यूजर इसमें लिखेगा वो इसमें ऐड हो जाए आइटम, तो मैं इसमें कोडिंग कर देंगे, इसमें लिख देंगे हम कॉम्बो बॉक्स डॉट ऐड आइटम, और आगे लिख देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स बन डॉट टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट में लिखा होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी देखो कोपा फिटर बेल्डर है, यहाँ पर लिख दिया हमने ड्रेस मेकिंग, और इसमें अगर हमने क्लिक टू ऐड आइटम तो यहाँ पर अब ड्रेस मेकिंग भी ऐड हो गया। मतलब जैसे लिस्ट बॉक्स के मेथड है, इसके मेथड भी सेम ही है, इसमें अलग नहीं है। ऐसे आप डिलीट का मेथड है, डिलीट भी ऐसे कर सकते हो। जस्ट क्या चेंज क्या हो रहा है, जब आप देख रहे हो के कोड में, तो इसका नाम ही चेंज हो रहा है, यहाँ कॉम्बो बॉक्स बन आ रहा है और उसमें क्या आ रहा था, लिस्ट बॉक्स बन आ रहा था। तो ये थे हमारे लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, इसका एक कोई भयानक सा एग्जाम्पल हम आगे जैसे करते चलेंगे, आगे ये दोबारा से रीयूज हो गए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स हमने कल पढ़ा था, टेक्स्ट बॉक्स आज भी यूज हुआ, और आज हमने उसकी नई प्रॉपर्टी जो उसको डिस्कवर किया, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को। इस तरीके से हम इनको जैसे जैसे आगे बार बार यूज करेंगे हम इन कंट्रोल को अलग अलग प्रोग्राम्स को बनाने में, तो इनकी हमें नई नई चीजें और भी पता चलती रहेंगी, जो चीजें अभी तक हमने यूज नहीं करी है। तो आज की क्लास इतनी थी, इससे पहले मैं देख लूं आज कौन कौन आए हैं, क्योंकि क्लास शुरू हो गई थी इसके बाद आए हैं, सुनीता भीमा गीता रेखा गीता जो गई कनेक्ट बड़ी आराम से, रंजना सिकंदर करतार सिंह। आज से मैं एक चीज और करूंगा कि आज की जो क्लास लगी है इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें
मैं आपको दिख नहीं रहा ठीक साफ साफ, जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं मोबाइल में, मुझे ही लग रहा है कि छोटे छोटे आ रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि ये स्क्रीन में काफी कुछ भरी हुई स्क्रीन है और कुछ भी आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा जो भी मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसका कोशिश करूंगा कि ये जो आज की क्लास है इसका वीडियो मैं आज ही एडिट करके पोस्ट कर दूं। तो अगर मैं ये आज का वीडियो आज ही डाल दूंगा तो आप फिर देख सकते हो कि क्या पढ़ा था ना। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही सीरियल आने वाला ही काम हो रहा है बीबीए में, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे हैं। जैसे ये यूजर प्रॉपर्टीज ही हैं, ये मुझे ही छोटी लग रही है तो मोबाइल में आपको और भी छोटी दिख रही होंगी। तो मैं क्या करूंगा आज शाम तक इसका ना, जो आज की क्लास है आज की क्लास का वीडियो मैं शाम तक डालने की कोशिश करूंगा बीबीए का। दूसरे वीडियो तो पिछले तो चलो चले रहेंगे अगर जैसे जैसे वो एडिट होते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ ही डाल दो, ताकि आपने जो पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो देख के पता चले कि क्या बात कर रहे थे। अभी क्लास में तो नहीं आपको दिखता ही होगा ढंग से साफ साफ कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कहाँ प्रॉपर्टियां चेंज हो रही है। तो उसमें थोड़ा बड़ा करके मैं जूम वगैरह करके आपको वो डाल दूंगा। जब भी हम एक्सेल की इसको सेव करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक करते हैं। ये बड़ी बार दिक्कत आती है प्रैक्टिकल में, खासकर दिक्कत आती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे तो प्रैक्टिकल क्या करना करोगे आप, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उस टाइम अगर आपको सेव करने को बोलेंगे तो अगर आपने ऐसे सेव कर दिए तो आपका प्रोग्राम सेव नहीं होगा, और जब वो प्रैक्टिकल करने वाला देखेगा तो फिर वो आप बोलोगे मैंने तो प्रोग्राम बनाया था लेकिन वो उसमें आया नहीं। तो जब भी आपने सेव करनी है तो सेव एज टाइप में यहाँ पर एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक ये जरूर सिलेक्ट करना है। ये इसलिए मैंने कल भी सेव करके रखी थी फाइल आपके सामने, परसों भी करी थी और आज फिर रोज सेव कर रहा हूँ। और इस रोज सेव करने का पर्पज यही है कि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं और फिर जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करने कहीं बैठे आप तो फिर आपको याद नहीं रहेंगी ये चीज। तो आप बड़े सारे लोग आए आज, 9-10 लोग आ गए, आपका बहुत धन्यवाद। इंदु वगैरह भी आ रहे थे लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाई शायद।